हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कुरैशी का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 32 चैन बुन ली है। देखिए इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट रो स्टार्ट इस तरह करेंगे, पहले सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे, फिर इसके बाद देखिए एक दो दो चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए एक दो दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक और दो दो चैन लेंगे, फिर एक बल लेके डबल क्रोशिया से हमने इसी में दोबारा डबल क्रोशिया से बुनना है। तो देखिए इस तरह हमें बी बनाना है, फिर एक और दो दो चैन बुनेंगे। इसके बाद देखिए दो चैन बुनने के बाद एक और दो दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक और दो दो चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और एक दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने फिर से वी बनाना है। फिर एक और दो दो चैन, फिर से वी बनाएंगे, फिर एक और दो दो चैन, एक बल लेंगे और एक दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। तो इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हम फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो में बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। अब देखिए लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल, और अब देखिए अब क्या करेंगे। अब यहाँ से अब देखिए एक दो तीन और चार, देखिए चार चैन बुन लेंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए एक बल लेंगे और ये जो हमने वी बनाया था ना फ्रेंड्स, तो देखिए वी के इसके बीच में से, ये देखिए ये वी है, इसके नीचे से यहाँ से आपने इस तरह रखना है। और ये देखिए आपने यहाँ पर फ्रेंड्स आपने पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए एक एक बार हो गया, ये दो और ये तीन, तो तीन बार का हम एक पफ स्टिच डालेंगे इस तरह। देखिए फिर इसके बाद देखिए फिर आपने इसको बल लेके ये जो बीच में ये जो है बी के बीच में जो गैप है दो चैन का, इसके अंदर हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छः, तो देखिए हमने बीच में छह बार डबल क्रोशिया से बुना है। फिर एक बल लेंगे और अब देखिए वी का जो ये सेकंड वाला हिस्सा है इसमें इसके बीच में से यहाँ से देखिए हमने फिर से पॉप स्टिच बनाना है तीन बार का, एक दो और तीन इस तरह से। फिर देखिए फिर एक बल लेंगे और ये देखिए जो वी है इसे स्किप करके ये जो वी है हमारा वी के बीच में से, ये देखिए जो हमारी जाली है इसके बीच में से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और तीन बार का पफ स्टिच बनाएंगे। दो, एक बन गया, दो तीन, तीन के बाद देखिए इस तरह से फिर आपने इस बीच में जो दो चैन बुनी थी वी के बीच में वहां आपने डबल क्रोशिया से सिक्स टाइम बुनना है। एक दो तीन चार पाँच और ये छः, फिर देखिए छः के बाद फिर से फ्रेंड्स हमने इस वी के नीचे से यहाँ से इस तरह से एक दो तीन और इस तरह से बुनना है। देखिए फिर एक बार लेंगे और इस वी के बीच में से यहाँ से पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन, फिर देखिए इसके बीच में
चार पांच छः, फिर इसके बीच में से यहां से एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सेकंड रो भी कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। आप देखिए लास्ट पर आ गए हैं, तो देखिए लास्ट पे इस तरह बुनेंगे। आपने एक बल लेना है और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन चार, चार एक दो तीन चार, और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने एक पल लेना है और इसमें आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए इस तरह, फिर आपने एक दो, दो चैन बुननी है। और ये देखिए जो छह बनाए थे ना आपने डबल क्रोशे से, इसके बीच में यानी कि देखिए एक दो तीन, तीन स्किप करिए और यहाँ बीच में तीन इधर हो गए, तीन इधर, तो बीच में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे। दो चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ, यहाँ पर हमने डबल क्रोशे से वी बनाना है। एक दो चैन, डबल क्रोशे से एक बार बुन लिया, अब ये दोबारा बुनेंगे डबल क्रोशे से इस तरह से। फिर एक और दो, फिर इसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन स्किप करेंगे चैन को और यहाँ बीच में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर एक और दो, दो चैन बुनेंगे और ये देखिए यहाँ इसके बीच में यहाँ पर हमने डबल क्रोशे से बी बनाना है। इस तरह, फिर एक और दो, फिर से एक दो तीन इसके बीच में। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं थर्ड रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि फोर रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। लास्ट पर आ गए, तो देखिए लास्ट में कैसे बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशे से बुन लिया है, दो चैन बुन ली है और अब देखिए हमने यहाँ, यहाँ हमने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर एक और दो, दो चैन बुनेंगे और उसके बाद देखिए एक पल लेंगे और यहाँ इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन, तीन चार, चार चैन बुनेंगे और एक बन लेंगे और इसके अंदर देखिए डबल क्रोशे से एक और दो, दो के बाद देखिए फ्रेंड्स एक बल लेंगे और बल लेने के बाद आपने ये देखिए जो वी बना था यहाँ, यहाँ आपने इस तरह से एक दो तीन पफ स्टिच डालेंगे तीन का। फिर देखिए एक बल लेंगे और ये जो हमारा वी है फिर से हमने इस वी में इसी तरह से पफ स्टिच डालना है, दो तीन, और इन सबको एक साथ बुनेंगे। फिर बल लेंगे और अब इस गैप में हमने डबल क्रोशे से छह बार बुनना है। तो दो हो गए, तीन चार पांच छः, और फिर इस वी के नीचे यहां से बीच में से हमने पफ स्टिच लेना, एक दो तीन इस तरह। फिर से हमने यहां से भी इसी तरह बुनना है, एक दो तीन, और इसे इस तरह से। फिर बीच में सिक्स टाइम डबल क्रोशे से बुन लीजिए, एक दो तीन चार पांच
छह, और अब वी के नीचे से यहां से डबल क्रोशे से बनेंगे, एक दो तीन, तीन का पॉपल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को भी कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट होने वाला है और लास्ट पर आ गए हैं। तो देखिए अब एक बल लेंगे और यहाँ से हमने पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन, और इन सबको इस तरह से बनाने के बाद देखिए एक बल लेंगे और इसके अंदर एक दो, इस तरह से दो बार हमने डबल क्रोशे से बुन लिया है। आप देखिए फ्रेंड्स एक डबल क्रोशे बुनने के बाद हमने फिर से यहाँ से इसके अंदर से इस तरह से बुनना है। और अब फ्रेंड्स यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, आपको जो पसंद हो आप लगा सकती हैं, मैं इसमें व्हाइट कलर लगाऊंगी। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम इसमें अपना व्हाइट कलर लगाएंगे और एक और दो, दो चैन बुनेंगे और देखिए इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए एक पल लेना है और ये देखिए जो बीच में गैप है यहाँ आपने फिर से वी बनाना है, एक और दो, बीच में दो चैन बनाइए, इस वी को इस तरह से बना दीजिए। फिर देखिए एक और दो, दो चैन, और ये जो आपने डबल क्रोशे से सिक्स बनाए थे तो तीन इधर कर लीजिए, तीन इधर, उसके बीच में यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर एक और दो, दो चैन, और यहाँ आपने वी बनाना है, दो इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने व्हाइट कलर से इस रो को कंप्लीट कर लिया है देखिए, और अब लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर देखिए दो चैन बुनने के बाद आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, इसे पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने इस तरह से एक दो तीन, इस तरह से आपने तीन का पफ स्टिच डालना है। फिर से हमने देखिए यहाँ पर सिक्स टाइम बुनना है डबल क्रोशे से, दो तीन चार पांच, और ये छह। फिर इसके बाद देखिए इस वी के बीच में से यहां से एक दो तीन, और इस तरह से बनाना है। फिर देखिए इसके नीचे से एक दो तीन, और फिर से इस तरह बनाना है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने इस पिंक कलर से बनाया था इसी तरह से मैं इसको भी कंप्लीट करके बता दूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जैसे मैंने बनाया इसी तरह पूरी रो कंप्लीट कर रही हूँ ये फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पे देखिए ये पफ स्टिच बनाने के बाद आपने एक बल लेना है और आपने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह, देखिए फिर एक और दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, इसे पलट देंगे और यहाँ देखिए यहीं से आपने फिर से डबल क्रोशे से इस तरह बुनना है, ये देखिए। फिर आपने एक और दो, दो चैन, और आपने देखिए यहाँ से तीन के बाद बीच में से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर एक और दो, दो चैन, और अब आपने यहाँ आपने वी बनाना है, दो चैन इस तरह से, फिर एक एक और दो, दो चैन, फिर आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर एक और दो, दो चैन, और यहाँ आपने वी बनाना है, एक और दो। तो फ्रेंड्स इस रो को भी कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है।
तरह से देखिए मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और इसे पलट देंगे। फिर से देखिए इसके अंदर हमने ये देखिए डबल क्रोशिया से दो बार बुनेंगे। फिर देखिए एक बार लेंगे और ये देखिए इस वी के नीचे से यहाँ से आपने फिर से पफ स्टिच लेना है तीन का, ये मैंने ले लिया। फिर देखिए फिर से हमने देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वी है इसके नीचे से यहाँ से फिर से हमने पफ स्टिच बनाना है एक दो तीन और इसको इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर हमने सिक्स टाइम डबल क्रोशिया से बुनना है। जैसे फ्रेंड्स हमने नीचे बुना है बिल्कुल उसी तरह आपने ऊपर भी बुनना है। तीन चार पाँच छ, फिर आपने इसके नीचे से यहाँ से फिर से आपने पफ स्टिच बनाना है दो तीन। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से यहाँ देखिए जैसे ये बना था इसी तरह से मैंने वाइट से भी इसको कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से फोर पेटल वाला फूल सा बन जाएगा, ये देखिए इस तरह। और इसमें भी देखिए इसी तरह बनता जा रहा है, तो मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। बनने के बाद देखिए इसका लुक कितना प्यारा है। देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई है। बस फ्रेंड्स जैसे ये हमने पिंक बनाया था इसी तरह हमने ऊपर इसे रिपीट करा है। और फ्रेंड्स आप इसे और खूबसूरत बनाने के लिए देखिए इसके बीच बीच में आप यहाँ एक मोती रख सकती हैं, ये देखिए यहाँ से। कितना प्यारा लग रहा है। फिर आप यहाँ एक मोती रख लीजिए। तो मैं सारे मोती रखकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मोती लगाने के बाद कितना प्यारा सा लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।